Hello everyone, this is our first class and in this class we are dealing with the Newton's law of motion. आज हम न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ क्या होती हैं. इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. तो अब मैं आपको मोशन के बारे में बताऊँगी. मोशन क्या होता है? मोशन इज़ द कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन नेचर. ठीक है, कि मोशन जो है आप डेली टू डेली लाइफ में आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिनोमिना है और वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो आप देखते हैं. मोशन को आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ थ्रू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज एंड सेकेंड वन इज़ थ्रू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. ठीक है, माइक्रो का और मैक्रो का मैं दोनों का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी. अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है. मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि एक बच्चे ने आसमान में बॉल उछाली ग्राउंड लेवल से, उसने एक सर्टेन हाइट गेन की है उस बॉल ने, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? दैट बॉल विल बी इन द मोशन. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़, कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ मोशन में कब होती है? जैसे कि अब आपने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जैसे कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि येस इट दैट सैटेलाइट विल बी इन द मोशन. ठीक है, तो इन द एंड हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, वट एवर मे बी द टाइप ऑफ मोशन वी हैव टू स्टडी द फोर्सेज विच जनरेट द मोशन, कि जहाँ भी मोशन होगा आपका वहाँ फोर्स जरूर जनरेट होगा. ठीक है, फोर्स आपका किसी भी तरीके का हो सकता है. हम आगे फोर्स से जब डील करेंगे तो आप फोर्सेज के टाइप भी पढ़ेंगे. तो अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए. नाउ अब हम आते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स में. क्या है आपका 11th 12th में आप दो तीन ब्रांचेस पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ब्रांच ही फर्दर डिवाइड होती जाएंगी और भी आप डेप्थ में जाते रहोगे. अभी जो फर्स्ट ब्रांच मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, दैट विल बी काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रिलेशनशिप किस किस के बीच में, पोजिशन में, वेलोसिटी में और एक्सलरेशन में. जो भी पार्टिकल हम स्टडी कर रहे होंगे, कोई भी बॉडी हम स्टडी कर रहे होंगे, तो उसका अगर हम पोजीशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, एक्सलरेशन पढ़ रहे हैं, सो दैट ब्रांच डील्स विद द काइनेमेटिक्स. उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हम काइनेमेटिक्स कहते हैं. ठीक है, अब हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो है डायनेमिक्स. डायनेमिक्स कौन सी ब्रांच होती है, हम इसमें क्या डील करते हैं? डायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड द कॉजेज ऑफ मोशन. डायनामिक्स में हम मोशन और मोशन के कारणों का पता करते हैं. ठीक है, नथिंग एक्चुअली क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पढ़ते हैं और इसमें हम किस चीज़ों से डील करते हैं. ओके, होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा. अब हम चलेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि साइंटिस्ट कैसे, कब क्या है, किसने क्या स्टडी किया, क्या हुआ. 1642 में गैलीलियो जो है उनकी डेथ हो गई थी. कहाँ डेथ हुई? इटली में. जिस ईयर गैलीलियो की डेथ हुई 1642 में, उसी ईयर आइज़ैक न्यूटन का आपका इंग्लैंड में बोर्न हो गया था, जन्म हो गया था. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, और भी उनकी फंडामेंटल को बहुत डीपली स्टडी किया और उन्होंने तीन फंडामेंटल लॉ दिए. सो आपको दिख रहे हैं तीन आपको स्लाइड्स में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं फर्स्ट लॉ को, ये आपको आने वाली स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगी. सेकंड लॉ कहते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, एंड थर्ड विल बी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, होप आपको इतना समझ आ रहा होगा. अब मैं आपको उसकी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती हूँ. स्टेटमेंट आपकी क्या है? एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट. क्या मतलब है इसका? कि कोई भी बॉडी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो उसी मोशन में रहेगी या फिर वो उसी रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे. मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है. अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी. ये स्टेटमेंट आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिखाता है. ठीक है, जैसे कि मैंने इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कशन अब मैं करना चाहती हूँ. आपको दो इसमें मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको. अब मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी. व्हेन अ बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
इट इम्प्लाइज दैट बॉडी हैज़ अ ज़ीरो एक्सलरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ के बारे में ये थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा है। कैसे? इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट मैंने आपको रीड कर दिया, मैं उसको समझाती हूँ। अगर कोई भी बॉडी क्या अगर कोई भी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब फोर्स ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली एक्सलरेशन भी ज़ीरो होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि कैसे ये आपको जस्टिफाई तो करनी है ना, ये वाली स्टेटमेंट। तो आपका स्टडी टेबल है, मैंने उसके ऊपर तीन चार बुक्स रख दी हैं। वो बुक्स कहीं पर भी नहीं जाएंगी जब तक कि कोई उसे उठा ना ले, जब तक कि कोई उसे उठा ना ले। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन, क्योंकि सेल्फ एविडेंस है इसका। सेकंड स्टेटमेंट, एवरीबडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी बॉल ग्राउंड में रोल कर दी, वो बॉल आपकी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है। आप तो कहते हैं मैम अभी तो आपने बोला था कि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि स्टेट में तो स्टेट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो मैं कहूँगी बच्चे यस, दिस एग्जांपल वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों वायलेट हुआ? वो तो मोशन में थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। आप कहेंगे मैम कहाँ हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, हमने तो बॉल को बस एक बार उसको रोल किया था। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है। कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर? एक्सटर्नल फोर्स है एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज़ रेजिस्टेंस ऑफ एयर। सो जो ये दोनों मोशन के ऊपर लग रहे हैं आपके फोर्स, ये आपको जो है इसके वायलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ दूसरा, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें इस एग्जांपल में आप कहेंगे मैम आपने तो बोला था कि मोशन में तो मोशन में रहेगी, स्टेट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, तो ये तो वायलेट करता है ना फर्स्ट लॉ को। मैं कहूँगी नहीं, करता है वायलेट, पर क्यों करता है, रीज़न तो पता करें हम। आप तो कहोगे कि मैंने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, मैंने तो बस एक बार उसको रोल किया था। मैं कहूँगी बच्चे वहाँ पर नेचर में कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो उसको मोशन से रेस्ट में लेकर आ रहे हैं। कैसे? यहाँ पे जो है एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, तो ये दोनों जो है आपका यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं दोनों मोशंस। तो जो आपका एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस एयर एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। अ मटीरियल बॉडी बाय इट्सेल्फ इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसको रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब तो घूम फिर के वही है ना कि जब तक आपका कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। एंड दैट प्रॉपर्टी इट्सेल्फ इज़ कॉल्ड इनर्शिया। यही कारण है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब हमारे बेसिक सभी मैंने आपको बता दिए हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगी। एंड आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।